पूर्वांचल फाउंडेशन द्वारा मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व आईएएस और लोकसभा सांसद राजकुमार सिंह और फरीदाबाद के पूर्व मेयर सूबेदार सुमन सहित क्षेत्र के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। हम लोग के संस्कृति के अनुसार तो हम लोग का नया वर्ष मकर संक्रांति से ही प्रारंभ होता है, तो इसीलिए हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज आप देख रहे हैं ये तो पूर्वांचल फाउंडेशन की बैठक हुई है, तो पूर्वांचल की जो संस्कृति है वही सब लोगों को जोड़ती है और उसी का ये एक बहुत बड़ा एक ओकेजन है। मकर संक्रांति का त्यौहार जो है सभी राज्यों में तकरीबन मनाया जाता है किसी न किसी रूप से, क्या संदेश देना चाहते हैं? मकर संक्रांति हमारे देश का बहुत पवित्र त्यौहार है और इसमें लोग पूजा अर्चना और अपने इष्ट को समर्पित होते हैं और यह एक हमारी संस्कृति को बल देने वाली ये त्यौहार है। तो इसमें हमारे देश के लोग सभ्यता की तरफ जाते हैं और सभ्यता के कारण अपने इष्ट को पूजा करते हैं, पवित्र जल में से नहाते हैं। तो बिहार के लोग हैं, फरीदाबाद में है या हरियाणा में, सर हमारे उनके साथ जो व्यवहार होता है तो ऐसा क्या चीज लगा यहाँ पे आपको जिससे कि आपके मन में ये मन में ये है कि जब जैसे किसी कभी भी जब कोई हादसा होता है तो वहाँ पर यहाँ का जो प्रशासन है वो फैक्ट्री मालिकों की तरफ से काम करता है, मजदूर की अनदेखी करता है। फरीदाबाद के विनय नगर में बाल विकास कौशल नामक संस्था का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक सुबोध कुमार चंद्रवंशी ने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि ये संस्था जो है आपकी वो किन किन चीजों पर काम करेगी और किन किन उद्देश्यों को लेकर आपने ये संस्था जो है रजिस्टर कराया है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आपने समय निकाल कर और बाल विकास के उत्थान के लिए आप मेरा इंटरव्यू के लिए आए, एंड थैंक यू सो मच। जैसे कि यहाँ मैंने मतलब कि 24 साल से मैं रह रहा हूँ और जिस तरह से प्राइवेट स्कूल का जो हालात देखा है, और मैं किसी स्कूल का मतलब कि सामने से हिट नहीं करूँगा और ना ही निंदा करूँगा, काफ़ी स्कूल से यहाँ जो है प्राइवेट चल रहे हैं, बट क्या है उनका जो बेसिस जो होता है पढ़ाई का वो सही नहीं मिलने के कारण वो मतलब कि आगे मतलब विफल रहते हैं अपने लाइफ में और उन्हें फिर क्या है एक लेबर और श्रमिक विभाग के ज़िंदगी जीना पड़ता है। सर, उन्हीं सब को देखते हुए ये बाल विकास कौशल संस्था जो है मेनली ये छोटे बच्चों का पहली से लेकर पाँचवीं कक्षा तक मतलब कि उनका बेस मजबूत किया जाएगा, एक वेल ट्रेंड टीचर रखा जाएगा और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। किसी भी संस्था को चलाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत जो है वो फाइनेंस की होती है, तो फाइनेंस आप लोग क्या कहाँ से इकट्ठा करेंगे और कैसे? तो पहले ये जो ठाना है मेरे लिए ये खास तौर से ज्यादा कठिन नहीं है। कहते हैं इंसान जब किसी चीज अच्छे कार्य के लिए कर लेते हैं तो कठिनाई सबसे पहले आता है, लेकिन जब वो सच्चाई की ओर बढ़ता है तो उसे कुछ अच्छे इंसान भी मिलने लगता है। सर, कुछ मेरे पार्टी के अपने मतलब सहयोगी गण हैं, मेरे अपने पार्टनर हैं जो उन्हें फाइनेंशियल काफी स्ट्रांग है, उन्होंने ये कहा है, मुझसे आश्वासन दिया है और अभी तक हेल्प भी किया, उन्होंने कहा कि आगे जब तक गवर्नमेंट का किसी तरह का फंड नहीं आता है टीचर से लेके जो भी मतलब खर्चा होगा मैं आपको मतलब कि प्रोवाइड करूंगा, उन्हीं आश्वासनों पे मैं ये कार्य कर रहा हूं और कुछ मैं खुद सक्षम हूं जो इन बच्चों का सेवा करने के लिए। नगर निगम चुनाव जो है वो आपके करीब आ गया है और आप भी नगर निगम प्रत्याशी वार्ड नंबर 24 से तैयारी कर चुके हैं, तो कहीं ये जो है संस्था रजिस्टर्ड कराना, एनजीओ चलाना कुछ है पॉलिटिकल फायदा होने वाला है क्या? देखिए, मेरा अभी फिलहाल जो है मतलब कि प्रत्याशी के रूप में किसी तरह से व्यू नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर जो विनय नगर की जनता चाहती है कि यहाँ से वार्ड काउंसलर सुबोध भाई हो तो डेफिनेटली मैं फाइट करूँगा यहाँ से वार्ड नंबर 24 से। अभी फिलहाल जो है मेरा किसी प्रकार का ये फोकस नहीं है।